ऐतिहासिक मेहता पार्क में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय लालचंद जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आजमगढ़ सदर के लगातार विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री हवलदार सिंह जी, मंचा सिंह आम आदमी पार्टी के हमारे नेता और अध्यक्ष जी, सम्मानित नेतागण यहाँ के उपस्थित सभी मेरे बाबा साहब को चाहने वाले मेरे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, राजेश यादव और आम आदमी पार्टी के हमारे साथी और नेता भाई राजेश जी, आज इस मौके पर सबसे पहले हम सभी मिलके और हम ही सब नहीं पूरे देश के हर व्यक्ति और देश ही नहीं जो दुनिया में जिनका यकीन लोकतंत्र में है, ऐसे सभी लोग इस बाबा साहब जैसे महामानव का जयंती आज हम सब मिलके मना रहे हैं। इसलिए आज इस मौके पर मैं अपनी ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देशवासियों को, विशेषकर जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, तमाम तरीके से उपेक्षित हैं, इन सबको इतनी ताकत दो कि हम सब मिलके बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रख पाएं। क्योंकि आप सोचो, एक अकेले बाबा साहब ने कितनी चुनौतियां संघर्ष सब झेल के समाज के सबसे आखिरी पायदान में बैठे लोगों को न केवल न्याय दिलाया, न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि इतना संवैधानिक हक भी दिला दिया है कि आज वो हर मामले में कम से कम बराबरी के साथ, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जहां एक और बाबा साहब ने इतना हक अधिकार सम्मान दिलाया, वहीं आज की ये सत्ता, आज के शासन में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इन लोगों की आस्था और निष्ठा बाबा साहब के संविधान में नहीं है, इनको स्वीकार नहीं हो पा रहा है। आखिर समाज का हर व्यक्ति न्याय, हक और अधिकार की लड़ाई लड़के एक गरिमापूर्ण जीवन कैसे जी पा रहे हैं? अगर कोई पीछे है तो विशेष अवसर का सिद्धांत लेकर आखिर वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो बीजेपी के लोग मिलके बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। साथियों, हमने, आपने सभी जानते हैं, बाबा साहब की आत्मा अगर कहीं बसती है तो हमारे देश के संविधान में बसती है, और ये बीजेपी के लोग देश के संविधान को ही नहीं बल्कि बाबा साहब की आत्मा को भी खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आज का ये मौका है, 14 अप्रैल का ये ऐतिहासिक दिन, ये मौका है, और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 19 तारीख से लेके 1 जून तक चरणबद्ध तरीके से देशवासियों को मौका मिलेगा अपनी सरकार, आने वाली सरकार चुनने का। तब हम आज आपसे कहेंगे, एक ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाली सरकार हो, जिस सरकार का भरोसा हो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते में, जिस सरकार का भरोसा हो लोकतंत्र में, ऐसी सरकार अगर कोई हो सकती है तो हमारे इंडिया गठबंधन की हो सकती है, दूसरी कोई सरकार नहीं हो सकती है। मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को हमें और आपको हटाना है, और बाबा साहब के संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनको न्याय, हक और अधिकार की अभी हमें और आपको देना है, उन सभी अधिकारों को देने के लिए अपने इंडिया गठबंधन की सरकार बना देना। मैं आज इस मौके पर इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेताओं का, चाहे वो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आम आदमी पार्टी के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, या और तमाम दलों के साथी हों, उन सभी के साथ साथ और सबसे ज्यादा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं इस मौके पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया
आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होने का। मैं आपको आजमगढ़ के लोगों आज यकीन दिलाता हूं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, पावन अवसर है, हम कोई राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, बहुत मौके आएंगे चुनाव तक की जाएंगे उसके लिए। लेकिन इस मौके पर एक बात बड़ी मजबूती से कहूंगा मेरे साथियों, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है, उस गठबंधन में एक मजबूत सिपाही के तौर पे आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मैं सभी को यकीन और भरोसा अपने आजमगढ़ वासियों को दिलाते हुए आज इस मौके पर एक बार फिर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।